तौर पर आभार व्यक्त करती हूँ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस के प्रति, जिन्होंने इस बेड़े को उठाया है कि वो पोषण ट्रैकर के इस डेटा को वैलिडेट करेंगे और हम अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस विषय को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करने में हमारी मदद करेंगे। आज एक सुझाव यहाँ पर एक प्रतिनिधि से आया कि क्या हम गर्भवती महिलाओं का भी वजन ट्रैक कर सकते हैं पोषण ट्रैकर में, ताकि उनका स्वास्थ्य कैसा है ऐसी अवस्था में उसमें अगर कोई विशेष सेवा देनी है तो मात्र एक विभाग नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित होकर ऐसी महिलाओं को अपना समर्थन दे सके। ऐसी ही संवाद की एक श्रृंखला में आज से 3 साल पहले जब मुझे इस विभाग का दायित्व मिला था, तब एक स्वर उठा था कि अगर गर्भवती महिला को महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट और कैश ट्रांसफर उस बहन के बैंक के खाते में भेजना है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप उसे मजबूर न करें कि अपनी डिटेल के साथ साथ पति की डिटेल भी बैठकर वो बहन भरे। आज उस सुझाव को हमने इस नए मिशन में सम्मिलित करके आपका संवाद, आपका सुझाव भारत सरकार के लिए है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब तक 2,70,00,000 गर्भवती बहनों को उनके बैंक के खाते में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ट्रांसफर कर चुकी है। इस वर्ष भारत सरकार का नई स्कीम में संकल्प है कि अब तक ये स्कीम मात्र उन महिलाओं को दी जाती थी जिनका पहली बार बच्चा होता था, अब अगर दूसरा बच्चा बेटी हो तो ये सुविधा, ये समर्थन, ये सहयोग भारत सरकार के सहयोग से उस महिला को, उस परिवार को, उस बच्ची को विशेष दिया जाएगा। मैं आभारी हूँ कि आज हमारे बीच ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मात्र एक स्लोगन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया है। हमारे देश में गत 7 वर्षों में 10 पॉइंट बेटियों का संरक्षण सेक्स रेशियो की दृष्टि से उसका इजाफा हो, यह अपने आप में हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ हर प्रदेश के प्रतिनिधि के प्रति जिन्होंने भारत सरकार के इस निवेदन को स्वीकारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज करें, ताकि अगर खेलो इंडिया में हमारे जिला की कोई गरीब बिटिया भाग लेना चाहे तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम ऐसी बेटियों का समर्थन और सहयोग कर सके। ये कहना उचित होगा कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई है और आज 90,00,000 से ज्यादा लड़कियां और महिला छात्राएं हमारे देश में स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि महिलाओं को शिक्षा की दृष्टि से अगर सहयोग मिलता है तो वो मात्र स्कूली शिक्षा तक अपने आप को सीमित नहीं रखती, उनका ट्रांजिशन उच्च शिक्षा में भी समाज विशेष रूप से देख पाता है। आज एक सुझाव में यहाँ पर स्किलिंग की दृष्टि से कुछ निवेदन भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत हुए। ये कहना उचित होगा कि आज हमारे देश में 80,00,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किल किया गया, लेकिन एक चुनौती जो वर्षों वर्ष में सुनती थी कि ग्रामीण अंचल में अगर महिलाओं को सही मायने में सशक्त करना है तो उन्हें डिजिटली लिटरेट और एनेबल करना है। प्रधानमंत्री दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि गत 3 से 4 वर्षों में 2,80,00,000 से ज्यादा महिलाएं डिजिटली लिटरेट होकर सर्टिफाइड हो चुकी हैं। दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेसेस ऑफ द डिजिटल इंडिया। आप में से कई महिलाएं
प्रशासनिक तौर पर पोषण कुपोषण से जो चुनौती है उसको लड़ने में अपना सहयोग देती हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी जो पुरुष हैं, वो भी धरातल पर ग्रास रूट पर कैसे महिला को सशक्त कर बच्चे को संरक्षित कर राष्ट्र के नव निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है इस संदर्भ में अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। उन्हें इस बात को जानकर विशेष आनंद होगा कि आज हमारे देश में मनरेगा में 190 करोड़ से ज्यादा जो पर्सन डेज का काम हुआ उसमें लगभग 55% जो काम मिला है वो देश की महिलाओं को मिला है। ये विशेष मैं आग्रह और ये आंकड़ा आपके सम्मुख इसलिए रख रही हूं क्योंकि नए आंगनबाड़ी के निर्माण में उसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने का भारत सरकार और मेरे मंत्रालय की ओर से विशेष आग्रह हुआ है। हम जानते हैं कि आप सब प्रयासरत हैं कि देश में हर आंगनबाड़ी जो आपके प्रशासनिक मर्यादा में आती है उसमें पानी की व्यवस्था बिजली की व्यवस्था हम कर पाए। हमारा ये सौभाग्य है कि आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी समिति में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसलिए अगर आप इस महिला फोर्स का लेवरेजिंग या इसका सहयोग जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण अंचल में लेने लगे तो जो आपने सुअवसर देखा है एक सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का उसमें देश की महिलाओं की एक अहम भूमिका रह सकती है। हम जानते हैं कि आप में से कई लोगों का सुझाव और अभिनंदन हमें प्राप्त हुआ है हेल्थ सर्विसेज की दृष्टि से। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि निमहांस के साथ हमने जो संवाद का कार्यक्रम चलाया उसके अंतर्गत अब तक 1,40,000 से ज्यादा हम सपोर्ट के केसेस दर्ज कर चुके हैं। हमारी अभिलाषा है कि संवाद नामक इस कार्यक्रम को आप भी अपने जिले में अपने प्रदेश में कैसे आप महिला और विशेषतः बच्चों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें अगर आपकी कोई रुचि है भारत सरकार की ओर से अगर आपको कोई विशेष सहयोग की अभिलाषा है तो उस अभिलाषा को हम पूर्ण करेंगे ऐसा आज मैं संकल्प हमारे मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत करती हूँ। अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि हम सब एकजुट हुए हैं ताकि उन महिलाओं का संरक्षण कर सके जिनके बारे में समाज चिंता व्यक्त करता है। इस चिंता को इस चुनौती को कहीं ना कहीं सल्यूशन का एक जामा पहनाया देश में वन स्टॉप सेंटर्स ने। आप सब भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि भारत सरकार के पूर्ण आर्थिक सहयोग से देश में 704 वन स्टॉप सेंटर्स अब तक फंक्शनल है। वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन के सौजन्य से अब तक देश में 70,00,000 से ज्यादा महिलाओं को हम सेवा सहयोग सहायता और सुरक्षा देने में सक्षम हो पाए हैं। अब भारत सरकार का संकल्प है कि जिन जिलों में क्राइम रेट महिला के खिलाफ ज्यादा है उन जिलों में एक एडिशनल वन स्टॉप सेंटर खोला जाए। आप सबसे निवेदन है कि ये 300 नए सेंटर्स आपके सहयोग से जल्द ही देश की महिलाओं को समर्पित हों इसमें आपकी सहयोग की हमें अपेक्षा है। और जाते जाते ये भी कहना चाहूंगी कि महिला को मात्र देश में ही नहीं बल्कि जो महिला विदेश में काम की खोज में गई है हमारा ये प्रयास है कि विदेश मंत्रालय के साथ हम इसी प्रकार की वन स्टॉप सेंटर की सुविधा 10 देशों में हिंदुस्तानी महिला को दिलवाएं so that if she is working overseas and is in need of help from the government of India and is in need of support from her state, we can, with the partnership with the Ministry of External Affairs, provide that service to women, not only domestically, but also now internationally. Sankalp bade hain, kaam kuch naye hain, chunautiyan kuch purani bhi hain, lekin hum milkar एक नया आसमान छुएंगे इस अनुरोध के साथ आज आपके यहाँ आगमन पर और एक सफल
एक मीटिंग, एक एजेंडा और एडमिनिस्ट्रेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए और आगामी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज महिला और बच्चे के लिए सुनिश्चित करने के आपकी प्रतिबद्धता को हम भारत सरकार की ओर से सलाम करते हैं। एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड एट द सेम टाइम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हू हैव गैदर्ड हियर टुडे एज स्टेकहोल्डर्स, एज स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम एट चंडीगढ़ फॉर होस्टिंग अस एंड फॉर एक्सटेंडिंग योर काइंडनेस एंड वार्म टुवर्ड्स अस। वी आर ग्रेटफुल चंडीगढ़, all the officers who have been more than kind in their reception and in their hosting capacities. Thank you, Jai Hind. धन्यवाद मैम। शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द हर हृदय को स्पर्श कर सकते हैं। यकीन है आपकी वाणी आपके हृदय के भावों से युक्त हो और स्पष्ट और सार्थक हो जाती है। आभार आपका कि आप सिटी ब्यूटीफुल में पधारी और इस आयोजन को सार्थकता और सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।